अपकमिंग बॉलीवुड फिल्म यह है इंडिया के ट्रेलर के डायलॉग पर उठे विवाद को लेकर विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। इसे लेकर रविवार को त्रिवेणी नगर चौराहे पर कुछ युवकों ने नारेबाजी कर विरोध जताया। आपको बता दें कि अपकमिंग फिल्म यह है इंडिया में अभिनेता गेवी चहल मुख्य भूमिका में है और निर्देशक लोम हर्ष तो निर्माता संदीप चौधरी है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि इस फिल्म के डायलॉग में भारत देश के बंटवारे की बात कही गई है, जबकि पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को बेबस और लाचार बताया गया है। हिंदुस्तान को एक करप्ट और पिछड़ा देश बताया गया है, इसी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि विवादित डायलॉग हटाए बिना फिल्म को रिलीज किया गया तो वे आंदोलन को उग्र करने पर मजबूर होंगे। हमने 15 तारीख को भी इस पिक्चर को लेकर प्रदर्शन किया था। मालवीय नगर में अमित भारद्वाज पेट्रोल पंप के पीछे जो दिनाड़ा होटल है वहाँ पर इस पिक्चर के एक्टर एक्ट्रेस प्रोड्यूसर डायरेक्टर सब लोग आए थे। हम लोगों ने उनसे नम्र निवेदन किया था, हमारा नम्र निवेदन स्वीकार नहीं किया। दिन में जब इनकी प्रोडक्ट जहाँ पर जब प्रमोशन के लिए आए हमने उनको बोला था अगर आप प्रमोशन करेंगे तो हमको मजबूरी में आपके लिए प्रदर्शन करना पड़ेगा। हमारी एक बात नहीं सुनी इन लोगों ने। पिक्चर के अंदर विवाद क्या है, विवाद क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? धरना प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं हम लोग क्योंकि इस पिक्चर के द्वारा हिंदुस्तान को फिर से बांटे जाने की बात कही गई है। फिर से एक बार टुकड़े एक टुकड़ा बांट कर इसको पाकिस्तान का नाम देने के लिए कहा गया है कि बेबस और लाचार लोगों को पाकिस्तान वापिस से होना चाहिए। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पहले नंबर पर जो पाकिस्तान है उस पाकिस्तान के अंदर कितने बेबस और कितने लाचार लोग हैं जो हमारे उर्वी बेस पर अटैक करते हैं, कभी पुलवामा में करते हैं और कश्मीर में उन्होंने हड़कंप मचा रखा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की पिक्चरें बॉलीवुड को नहीं बनानी चाहिए, नहीं बनानी चाहिए, नहीं बनानी चाहिए।